हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास प्लस टू का मैथमेटिक्स के एग्ज़ामिनेशन के बारे में। आज हम इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड हम आपको यह आंसर शीट से भी दिखाएंगे कि आपको पेपर को कैसे यह इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में हमारी मार्किंग जो होती है वो यह स्टेप वाइज होती है, तो आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसमें मार्क्स को डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास है 2017 का मैथ्स का एग्ज़ाम जो कि ऑल इंडिया का है। तो इसमें हमारे पास पिछले साल का जो एग्ज़ाम था उसमें हमारे पास क्या था कि 4 क्वेश्चन आए थे। जो पहले थे वो थे 1 मार्क के, उसके बाद 8 क्वेश्चन थे 2 मार्क के एंड 11 क्वेश्चन थे हमारे पास 4 मार्क्स के एंड इसके बाद थे हमारे पास लॉन्ग आंसर्स। तो जैसे कि सेक्शन ए में हमारे पास 1 मार्क के सभी हैं क्वेश्चन, तो 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर का मार्क्स भी मिल सकता है एंड अगर उसमें कोई इम्पोर्टेंट स्टेप यूज़ होता है तो उसका मार्क्स भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो जैसे कि हमारा पहला सम है कि हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ के, तो आप अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं विदाउट सोल्विंग इट तो भी आपको इसका फुल मार्क मिलेगा। तो हमारी स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें आंसर स्कीम के अकॉर्डिंग है कि आपको के की वैल्यू को सोल्व करना है, उसका आपको मिलेगा फुल मार्क 1। ऐसे ही हमारा जो दूसरा सम है उसमें है हमारे पास के ए इंटू एट जॉइंट ए 8008 दिया हुआ है और आपको डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो इसमें भी अगर आप डायरेक्ट इसे इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं तो आपको इसका फुल मार्क मिलेगा, जैसे कि 8 इसका आंसर आएगा 8। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग आंसर शीट में देखते हैं, तो यूजली आपको ऐसे जो छोटे छोटे सम होते हैं उनको आप सोल्व भी है इसमें किया जा सकता है। तो अगर आपने सोल्व किया है तो आपका आंसर ज़रूर ठीक होना चाहिए, तो ही आपको इसका यह फुल मार्क मिलेगा। तो ऐसे आपको इसमें के की वैल्यू हमारी आ गई तो आपको इसका मिल जाएगा फुल मार्क एंड इसमें भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने सोल्व कर दी है तो आपको इसका फुल मार्क मिलेगा। सो इसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स एंड दीज टू प्लेन्स, तो इसमें आपको प्लेन्स में डिस्टेंस सोल्व करना है। तो ऐसा सम डायरेक्ट सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें आपके जो मार्किंग स्कीम है वो उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। 2 पार्ट्स में कैसे है कि पहले आपको दोनों इक्वेशंस को, दोनों प्लेन्स को यह पैरेलल करना है। ये दोनों प्लेन्स को हमने यह पैरेलल किया और उसके बाद आपको इसके डिस्टेंस सोल्व करनी है। तो डिस्टेंस आप इसमें फॉर्मूला के साथ सोल्व कर सकते हैं फुल, तो इन दोनों स्टेप्स के आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स इन दोनों प्लेन्स को यह पैरेलल करने का एंड हाफ मार्क मिलेगा आपको इसमें डिस्टेंस का। तो आपने जैसे इसमें ये बात ऑब्जर्व की होगी कि जो हमारे यह पहले 2 सम थे उनमें ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट यह स्टेप नहीं आ रहा था, तो इसलिए उसका आपको डायरेक्ट मिलेगा 1 मार्क। इसके बाद जो हमारा 4th सम है, 4th सम में आपको इंटेग्रल सोल्व करना है। तो अगर आप इंटेग्रल को ठीक सोल्व करते हैं, इसका आंसर आपको ठीक सोल्व हो जाता है, तो ही आपको मिलेगा 1 मार्क। तो अगर आपने हाफ़ इंटेग्रल इसमें सोल्व किया है तो उसका आपको आंसर, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। तो इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी पर, इसमें भी हमें इंटेग्रल सोल्व करना है। तो ऐसी फॉर्म में हमें, ये हमारा 2 मार्क्स का है, तो ऐसी फॉर्म में इम्पोर्टेंट यह स्टेप्स होते हैं, तो यह स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि इसमें हमारे पास है कि आपको यह कंप्लीट द स्क्वायर फॉर्म करना है डिनोमिनेटर में, उसका मिलेगा आपको मार्क 1 एंड उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। अगर आपने वो ठीक फॉर्मूला अप्लाई किया है तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क। तो अगर आपने सम को यहीं पर छोड़ दिया है तो भी आपको इसका 1 मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही आप रिमेनिंग जो 2 मार्क्स के हैं यह क्वेश्चंस, उनमें भी आप मार्किंग स्कीम सेम ही होगी कि यह स्टेप्स में इनको डिवाइड किया हुआ होगा। जैसे कि हमारे पास अगली प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर, इसमें हमें सिर्फ प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, तो इसे सोल्व नहीं करना बिकॉज ये 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट में उन्होंने हमें ये दिया हुआ है कि फॉर्मुलेट दिस एज एन LPP। तो फॉर्मुलेट में हमारे पास 4 इक्वेशंस सोल्व होगी, तो इसमें आपको, आपके लिए हर एक इक्वेशन का हाफ मार्क है।
इन सभी का मिल जाएगा 1.5 एंड इस इक्वेशन का हाफ, तो टोटल बन जाएंगे 2 मार्क्स। तो ऐसे ही हम हमारी आंसर शीट में यह चेक करते हैं। तो आंसर शीट में जैसे कि पहले यहाँ पर यह कंप्लीट द स्केयर फॉर्म यह प्रिपेयर करनी थी, वो स्टेप यह बिल्कुल ठीक था। एंड उसके बाद आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था, दोनों स्टेप ठीक थे, तो इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे आपको पेपर में यह अटेम्प्ट करना होगा। तो जो बेसिक इसमें यूज़ होने वाले यह स्टेप्स होते हैं उनको आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे 4 मार्क्स के थे यह क्वेश्चन, उनमें से हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 18 की मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें था कि हमें dy/dx की वैल्यू सोल्व करनी थी। हमारे पास ये दोनों ये वाली इक्वेशन दी हुई थी, x^y + y^x = a^b। तो इसमें भी टोटल आपकी स्टेप मार्किंग होगी। अगर आपने ये डेरिवेटिव की प्रॉब्लम सोल्व की हुई है तो आपको याद होगा कि इसमें हमारे पास अलग अलग यह स्टेजेस फॉर्म होती हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है कि इन दोनों को u एंड v और आप इसमें कुछ और भी इसको सपोज कर सकते हैं, तो उसका तो उस चीज़ को सपोज करने के बाद उसका डेरिवेटिव सोल्व करने के बाद यहाँ तक का आपको इसमें मिलेगा 0.5 मार्क्स। तो इसके बाद आपको u में से du/dx सोल्व करने का मिलेगा 1 मार्क। एंड ये बात का ध्यान रखना है कि जो इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उन सभी को आपको इक्वेशंस के साथ नंबरिंग करनी होगी। तो इस सेम एज इट इज़ अगर आप dv/dx को सोल्व करते हैं तो उसका भी आपको मिलेगा 1 मार्क। इसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज़ को हमारी इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करते हैं, उसका 0.5 मार्क्स। एंड उस इक्वेशन में से अगर आप dy/dx को सोल्व कर लेते हैं तो उसका मिलेगा 1 मार्क। तो ऐसे टोटल 4 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो मार्किंग स्कीम में भी सेम है कि इसका हाफ मिलेगा, du/dx का 1, dv/dx का 1, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करने का हाफ एंड फिर dv/dx का 1। तो ऐसे फोर जो हमारे 4 मार्क्स के होंगे उनमें इस प्रकार से उन्होंने यह डिवाइड किए होंगे मार्क्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स को। तो इसमें हमारे पास सम नंबर 28 है जो कि हमारे पास 6 नंबर का होगा, तो इसके इसी अकॉर्डिंग हमें यह स्टेप्स को डिवाइड किया होगा। तो इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, इसका हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। उस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद उन्हें यूज़ करके हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि पहले आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, देन उसी ए इनवर्स को सोल्व यह करते हुए आपको इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो इसमें ये मिस्टेक ना हो कि आप डायरेक्ट इक्वेशंस को सोल्व कर दें, पहले ए इनवर्स सिर्फ ए को यूज़ कर सोल्व करना होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि यह अटेम्प्टेशन इसकी यह कैसे हुई है। तो इनवर्स के टाइम सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट का आपको मिलेगा 1 मार्क। तो ये सोल्व हो गया, अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद आपको सभी के सभी कोफैक्टर सोल्व किए गए हैं, कोफैक्टर्स के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और कोफैक्टर सोल्व करने के बाद आपने यह है इसमें एडजॉइंट सोल्व कर क्योंकि वो तो कोफैक्टर से हो जाएगा, तो ए इनवर्स कर लिया, इसका 0.5 मार्क मिलेगा। सो हमारे पास ए है 3.5 हो चुके हैं। सो इसके बाद आपको गिवन इक्वेशंस को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में उतारेंगे और उसमें से आप x = a^b को ए फाइंड करेंगे, इसका मिल जाएगा हमारे पास 1 मार्क। एंड लास्ट में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद xy की वैल्यू सोल्व करेंगे, उसका मिलेगा 1.5। तो ऐसे इस फुल सम को उन्होंने स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मार्किंग स्कीम में भी हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का उन्होंने दिया है हमें 1 मार्क और कोफैक्टर्स के 2 मार्क्स हैं, ए इनवर्स सोल्व करने का 0.5 है एंड इन इसको इक्वेशंस में चेंज करने का 1 मार्क है एंड आखिर में हमें सॉल्यूशन सोल्व करने का 1.5 है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि इन सभी को 0.5 मार्क्स दिया गया है। अगर आपकी एक वैल्यू रॉन्ग भी आ जाती है तो भी आपको रिमेनिंग सम के मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आपको यही इसमें एडवाइस दूंगा कि आप एग्ज़ाम में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो आपको यह कंप्लीट नहीं भी सोल्व होती, तो आप अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसे ज़रूर सोल्व कर आएँ। तो
ऐसी कोई भी रोंग चीज़ पेपर में ना करें कि कुछ भी रोंग ना सोल्व करें, आपको जितना ठीक आता है सिर्फ उतना ही सोल्व करें। बिकॉज़ अगर आपकी कोई चीज़ रोंग होती है तो उसका इम्पैक्ट एग्ज़ामिनर पर यह गलत हो सकता है। तो आपको कोई भी जो आपका यह प्रॉब्लम है, चाहे आपको हाफ़ सोल्व हो रहा है तो उसे आप हाफ़ ज़रूर सोल्व कर कर आएँ, उसे छोड़े मत। तो बिकॉज़ के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में टोटली आपकी स्टेप्स की मार्किंग होगी, आपका सिर्फ आंसर को नहीं चेक किया जाएगा, आपके स्टेप्स को, आपके मेथड को, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम को यह अच्छे से यह अटेम्प्ट करें।